दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड के बारे में जिन्हें एक साथ बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। इन फूड्स को इनकम्फर्टेबल फूड कहा जाता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन सा फूड है जो इनकम्फर्टेबल फूड के श्रेणी में आता है या किन किन फूडों को एक साथ खाना नहीं चाहिए। दूध को कभी प्याज, केले, नमकीन चीज, नींबू, संतरे जैसी खट्टी चीजों के साथ खाना नहीं चाहिए। अच्छे सेहत बनाने के लिए दूध और केले को एक साथ खाने की सलाह दिया जाता है, लेकिन ये दोनों ही चीज जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को पचने से रोकता है। दोनों के पचने के समय अलग अलग है, इसलिए लगातार इसका सेवन करने से हमारे शरीर की खाना पचने की प्रक्रिया बदलने लगता है और रात को इन चीजों को लेने से नींद न आने की प्रॉब्लम हो सकता है। प्याज, कटहल, नींबू जैसे खट्टे फल के साथ दूध बिल्कुल भी ना खाए। प्याज और मिल्क अगर हमारे पेट में एक दूसरे से मिल जाए तो हमें कई प्रकार स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे सोरायसिस, दाद, एक्जिमा एक्सेट्रा। नींबू के साथ दूध तो बिल्कुल भी ना ले, इससे गैस, पेट दर्द, पेट में इन्फेक्शन या लूज मोशन हो सकता है। दोस्तों पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन नामक एंजाइम होते हैं जो खाना पचाने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन दूध के साथ अगर पाइनएप्पल आप लेते हो तो इसका उल्टा ही असर डालता है। दूध के साथ मिलाकर खाने से फूड से पोषक तत्व निकलने की क्षमता को ये कमा देता है। दही के साथ केला, मांस मछली, टमाटर, उड़द की दाल को सेवन बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों आप तो जानते हैं दही के साथ ज्यादातर फलों का मेल नहीं जमता, क्योंकि ठंडे होने की वजह से फलों को डालकर खाने से ये हमारे शरीर में कफ की मात्रा बढ़ाता है और ये कफ हमारे फेफड़े में जाकर जमता है, ये शरीर की नसों को भी ब्लॉक कर सकता है। उड़द की दाल के साथ दही बिल्कुल भी ना खाए, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से शरीर के ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है। इसलिए जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उन्हें दही वाला जैसे चीज से दूर रहने की सलाह दिया जाता है। बियर के साथ नमकीन चीज कभी ना खाए। आजकल बियर, कोल्ड ड्रिंक्स या सरप के साथ नमकीन मूंगफली खाने की प्रचलन है। दोस्तों आप तो जानते हैं बियर, कोल्ड ड्रिंक्स या सरप पीने से हमारे शरीर का पानी सूख जाता है, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट होते हैं। ऐसे में इसके साथ नमकीन मूंगफली या ज्यादा नमकीन वाला फूड खाने से हमारे शरीर में सोडियम की मात्रा दुगनी तेजी से बढ़ जाता है और ये बढ़ा हुआ सोडियम बॉडी में मौजूद पानी को तेजी से खत्म करने लगता है। शरीर में पानी की कमी होने के कारण से हैंगओवर, चक्कराना, घबराहट, पेट खराब हो सकते हैं और साथ ही लगातार ऐसा काम करने से पेट में चर्बी बढ़ जाता है। घी को कभी तांबे या कपड़ के बर्तन में ना रखें, क्योंकि तांबे के साथ रासायनिक विक्रिया करने से पूरी तरह से घी खराब हो जाता है। घी और हनी को आपस में मिलाने से ये विष बन जाता है। दोस्तों अक्सर सलाद में हम खीरा और टमाटर को एक साथ डालते हैं या शादी में टमाटर और खीरा को एक साथ सलाद के रूप में दिया जाता है। हाल ही में किया गया एक रिसर्च के मुताबिक दोनों में पाए जाने वाले तत्व एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। दोनों के पचने के समय अलग अलग है, जो हमारे पेट को कंफ्यूज कर देता है, इसलिए इन दोनों को अगर एक साथ खाया गया तो इन दोनों से निकलने वाला पोषक तत्व हमें तो नहीं मिलता, लेकिन इसके वजह से पेट खराब, गैस होने की संभावना बढ़ जाता है। कई लोग सलाद का सेवन करते हैं खाना खाने के बाद, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सलाद को भोजन के साथ ही खाना चाहिए। भोजन के बाद अगर आप सलाद खाते हैं तो खाना पचने की गति को ये धीमा कर देता है, जिससे गैस, एसिडिटी हो सकता है। अगर आप सलाद में गाजर खाते हैं तो उसके साथ नींबू कभी ना मिक्स करें, क्योंकि गाजर में नींबू का रस डालने से ये हार्ट बर्न या यूरिन की समस्या को ये बढ़ा देता है। दोस्तों हनी का सेवन घी, मूली या अंगूर जैसे फलों के साथ ना खाएं और इसे ऐसी चीजों के साथ मिक्स ना करें जो गर्म हो, क्योंकि हनी गर्म होने के बाद ये विष बन जाता है। दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि हनी को गर्म पानी के साथ पीने से उनका वेट 7 दिन में कम हो जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है हनी को कभी गर्म पानी के साथ लेना ही नहीं चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 5000 साल पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में लिखा है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इन वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आज बस इतना ही, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक जरूर देना और मन में कोई सवाल का तूफान है तो कमेंट में जरूर लिखें और मेरे नए दोस्तों से मेरे गुजारिश है हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना।